की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दो आसान तरीके YouTube कीवर्ड डालने के, यानी कि आपको टैग जो आप जो आपके वीडियो में डालते हैं जिससे वीडियो सर्च में जाता है वो टैग डालने के, कि आपको कीवर्ड किस तरह से फाइंड करना है, YouTube किस तरह से सजेस्ट करता है। इसीलिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको उस ऐप को ओपन कर लेना है। उस ऐप को ओपन करने के बाद में वहां पर आपको सभी ऑप्शन नजर आएंगे कि आप दूसरे की वीडियो के भी टैग निकाल सकते हैं या आप खुद फाइंड भी कर सकते हैं। देखिए सजेस्ट कीवर्ड पर क्लिक करना है, आपका जिस भी रिलेटेड वीडियो है आपका टाइटल आपको कॉपी कर लेना है, मतलब कॉपी आपको थोड़ा सा करना है, ज्यादा कॉपी नहीं करना है, पूरा आपको टाइटल नहीं डालना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से आप लिख दीजिए या आपका टाइटल कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। चेक पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। चेक पे क्लिक करने के बाद में देखिए कुछ ऐड चलती है, आपको ऐड को कट कर देना है। ऐड को कट करने के बाद देखिए जिस तरह से आपने सर्च किया है उसी तरह से पूरे टोटल, यानी कि आप जितने कीवर्ड अपने वीडियो में डालना चाहते हैं वो कीवर्ड आ चुके हैं। यहाँ से इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अब इसे पेस्ट किस तरह करना है, देखिए आपको आपके YT स्टूडियो में चले जाना है। YT स्टूडियो को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जो वीडियो आपने जस्ट अपलोड किए है जिसमें आपने कीवर्ड नहीं डाले हैं वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडिट पे क्लिक कीजिए। एडिट पे क्लिक करने के बाद देखिए नीचे टैग्स रिमेक्स कैटेगरी, ये यहाँ पर आपको टैग्स को इस तरह से कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद उस जो कॉमा का निशान दिख रहा है वहां से आपको इस तरह कर देना है। इस तरह करने के बाद कट पर क्लिक कर दीजिए। कट पर क्लिक करने के बाद एक बार अगर आप कट करेंगे तो ये टैग बन जाएगा। इसी तरह से आपको धीरे धीरे सब टैग्स डाल देने हैं। देखिए इस तरह से एक एक करके आप सबके सब टैग यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। इसी तरह से सब टैग्स पेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद में अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप दूसरों की वीडियो के टैग्स किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए YouTube में चले जाइए, YouTube का ऐप को ओपन कर लेना है। जिस भी रिलेटेड आपने वीडियो डाला है, जिस भी रिलेटेड अपलोड किया है उस रिलेटेड आपको वीडियो को यहाँ पर सर्च कर लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद में आपको जो वीडियो मतलब ऐसा लगता है कि इसकी कीवर्ड निकालनी चाहिए तो आप उसकी कीवर्ड यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से स्क्रॉल कर लीजिए। देखिए इसमें 24 मिलियन व्यू है। इसके टैग निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, शेयर पे क्लिक कीजिए। शेयर पे क्लिक करने के बाद में देखिए कॉपी लिंक का ऑप्शन आ चुका है, उसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद फिर उसी ऐप में आपको जाना है जो ऐप मैंने आपको बताया था, वो ऐप का नाम टैग यू है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसे ओपन कर लेना है। उसके बाद में आपको देखिए यहाँ पर गेट फ्रॉम URL, देखिए दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर का ऑप्शन है, यानी कि दूसरी लाइन में तीसरे नंबर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको उस लिंक को पेस्ट कर देना है। देखिए इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद चेक पे क्लिक करने के बाद सिंपल सा प्रोसेस है, पूरे कीवर्ड जितने भी कीवर्ड उन्होंने उस वीडियो में डाला है जो भी जिस तरह से वायरल हुआ है उसी तरह से आपका भी वायरल हो सकता है। देखिए वायरल वीडियो होना ये YouTube पर रहता है, हमारे ऊपर नहीं रहता कि हम किस तरह से इसे वायरल करते हैं। वायरल करने का तरीका जो होता है वो YouTube के ऊपर ही होता है कि YouTube किस तरह से YouTube वीडियो सजेस्ट करता है, उसके बाद आप किस तरह से थंबनेल बनाते हैं, किस तरह से आप टाइटल लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उस पर सब मैटर करता है। उसके बाद में आपको देखिए उसके पूरे टाइटल यहाँ पर आ चुके हैं, फनी वीडियो, कॉमेडी वीडियो, फनी क्लिप्स, फनी वीडियो 2022, बिजी फन लीडिट, ये चैनल का नाम है, आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपल उसी तरह से जिस तरह से आपने पहले कीवर्ड डाले है उस तरह से आपको यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद कॉमा के पास से उसे इस तरह से आपको कॉपी करना है, यानी कि यहाँ से कट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो टैग आ जाएंगे जो टैग बाकी के, और इस एक बार कट पे क्लिक करेंगे तो वो टैग बन जाएगा। तो ये था आसान सा और सिंपल प्रोसेस। इस तरह से सारे टैग्स जो है एक मिनट में भी आप पूरे टैग डाल सकते हैं और आपकी वीडियो इसे सर्च में जा सकती है, रैंक कर सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।